नमस्कार, आज हम आपको एसी और डीसी करंट के बीच का अंतर बताएंगे। हम आपको टोटल 22 अंतर बताएंगे। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ए से अल्टरनेटिंग, सी से करंट। अगर वोल्टेज है तो भी एसी वोल्टेज बोलते हैं। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डी से डायरेक्ट, सी से करंट। दूसरा है एसी जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन बदलती है पीरियडिकली, और जो डीसी करंट है सिर्फ एक डायरेक्शन में बहती है। अब तीसरा है एसी में जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के हिसाब से वेरी होता है। देखिए ये टाइम है, ये मैग्नीट्यूड है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इस टाइम पे इतनी है, 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 तो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। डीसी के केस में जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो या तो कांस्टेंट होता है, देखिए ये मैग्नीट्यूड है, ये टाइम है, तो इसकी वैल्यू फिक्स है। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सब जगह बराबर है, तो हम कहते हैं इसको कांस्टेंट है। आर वेरी विद टाइम, यहाँ पे जो वैल्यू है इस प्लॉट में वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पे फिर ज़्यादा हो गई, तो वेरी विद टाइम बट ओनली इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए डीसी में करंट की डायरेक्शन एक ही है, खाली प्लस में बह रही है, माइनस में नहीं है। यहाँ पर प्लस में भी थी और माइनस में भी थी, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, कभी प्लस कभी माइनस। जब डीसी का इन्वेंशन हुआ था तो खाली प्योर डीसी थी, ये बाद में आ गई वेरिएबल, इसमें रिपल बोलते हैं इसको। अब चौथा अंतर है, जो एसी है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 या 60 हर्ट्ज होती है। देखिए ये एसी है ना, तो ये होता है एक साइकिल। अगर ऐसे ऐसे 50 आए, जैसे यहाँ हमने दो दिखाए हैं, लेकिन अगर ऐसे ऐसे एक साइकिल में 50 आए तो बोलते हैं 50 हर्ट्ज। अगर ऐसे ऐसे एक सेकंड में 60 टाइम्स आए तो बोलते हैं 60 हर्ट्ज। ये कंट्री पे डिपेंड करता है, इंडिया में ये 50 हर्ट्ज है। जो डीसी है अगर प्योर है तो उसकी फ्रिक्वेंसी जीरो होगी, जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी जीरो है, लेकिन इनमें अधिकतर रिपील होती है। अधिकतर जो लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल्स होते हैं उसमें जो वोल्टेज सप्लाई तो डीसी होती है, लेकिन उसमें जो करंट लोड होती है अंदर वो प्योर डीसी नहीं होती, वो अधिकतर एसी या एसी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर और आईसी ऑन ऑफ होते रहते हैं तो करंट चेंज होती रहती है। अब पांचवा है एनालॉग ट्रांसमिशन में रेडियो टीवी ट्रांसमिशन, वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में एसी में होते थे पहले, आजकल तो एनालॉग बहुत कम होता है, आजकल डिजिटल होता है। और वायरलेस ट्रांसमिशन डीसी में एनालॉग में नहीं होता, लेकिन डिजिटल में डीसी पल्स यूज करते हैं, पल्स आते हैं आन ऑफ आन ऑफ आन ऑफ, ऐसे सीक्वेंस से आते रहते हैं। अब छठा अंतर है, जो एसी होता है मोस्टली सिनुसाइडल होता है, ये सिनुसाइडल है, प्लस में भी माइनस में भी, लेकिन जो स्मॉल सिग्नल्स होते हैं मे भी ट्रेपेजॉइडल, इस तरह का ट्रायंगुलर ये देखिए और स्क्वायर ये देखिए, इन सब में शेप प्लस में भी जा रहा है और माइनस में भी जा रहा है, प्लस माइनस। डीसी में भी ये सब वेव शेप होते हैं, लेकिन प्लस में ही होते हैं या माइनस में ही होते हैं, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होते। इसको कभी कभी बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी।
आप सातवां है जो एसी को इस इक्वेशन से लिखते हैं, v इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी, जहां 20 क्या है उसकी पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू नहीं पीक वैल्यू। जो डीसी है उसमें चूंकि वोल्टेज फिक्स होता है, अगर प्योर डीसी है तो लिख देते हैं 20, अगर डीसी में एसी मिली हुई है रिपिल है तो लिख देते हैं 20 प्लस 5 साइन ओमेगा टी। देखिए ये जो इक्वेशन है वो इसकी है प्योर डीसी की, और ये जो इक्वेशन है वो इसकी है, इसमें ये जो 20 है ये वैल्यू है डॉटेड लाइन वाली, और इसके ऊपर जो साइन दिखाया है ना हमने ये फाइ साइन ओमेगा टी है, ये जो फाइ है इसका और इसका पीक वैल्यू है, तो टोटल पीक आ जाएगा 20 प्लस 5 25 आ जाएगा। इसमें भी देखिए डायरेक्शन एक ही है, प्लस में है माइनस में नहीं जा रहा है बिल्कुल। अब आठवां है एसी को आसानी से मैकेनिकली जनरेट कर सकते हैं जनरेटर का प्रयोग करके, एसी जनरेटर से ही बनती है, डीसी को भी जनरेटर से जनरेट कर सकते हैं मगर उसमें कुछ रिपिल आती है, और डीसी कैन आल्सो भी जनरेटेड इन दी बैटरी, बैटरी में तो डीसी आती ही आती है। अब नवा अंतर है एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना है तो एक रेक्टिफायर लगाना पड़ता है। डीसी के केस में अगर डीसी को हम एसी वन फेस या थ्री फेस में बदलें तो एक इन्वर्टर लगाना पड़ता है। अब दसवां है एसी पोर्टेबल नहीं है, एसी पावर को हम कहीं ले नहीं जा सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि एक पोर्टेबल जनरेटर लें और फ्यूल लें, उसको ले जाएं कहीं पर भी और उससे हम एसी जनरेट कर सकते हैं। डीसी के केस में बैटरी के फॉर्म में डीसी पावर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ये पोर्टेबल है। इसी का फायदा है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में जैसे मोबाइल मीटर्स रेडियो लैपटॉप में यूज करते हैं। अब ग्यारहवां है जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी है वो एसी फॉर्म में सप्लाई होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंज्यूमर को डीसी पावर नहीं देता। अब बारहवां अंतर है कि जो एसी सप्लाई है एसी करंट है उसको प्लॉटर करना इजी है, वो इसलिए कि एसी में जब फॉल्ट होता है तो थोड़ी देर के बाद अपने आप जीरो क्रॉसिंग आ जाती है, यहाँ पे जीरो वोल्ट आएगा या जीरो करंट आएगी तो करंट अपने आप थोड़ी देर के बाद कम हो जाती है, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, तो डीसी में फॉल्ट को प्लॉटर करना डिफिकल्ट है, इसीलिए जो डीसी एमसीबी होते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। अब तेरहवां अंतर है एसी में फ्यूज यूज कर सकते हैं, डीसी में भी यही वाला फ्यूज यूज कर सकते हैं, बट ये जो प्लॉटेड करेगा लोअर डीसी वोल्टेज और करंट, उसकी रेटिंग कम हो जाएगी। अगर कोई फ्यूज यहाँ पे 230 वोल्ट के लिए बना है तो यहाँ सिर्फ 40 या 50 वोल्ट तक ही उसको यूज कर सकते हैं। अब चौदहवां है अब एसी को हम स्टोर तो कर नहीं सकते, तो अगर एसी फेल्स हो जाएगी तो क्या होगा, देन यूज अनदर एसी सोर्स, या तो हमारे पास दूसरा एसी सोर्स हो या फिर हम डीसी यूज करें विद इन्वर्टर। डीसी के केस में हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। अब पंद्रहवां है जो एसी का वोल्टेज है उसको ट्रांसफार्मर लगा के आसानी से चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। डीसी के केस में वोल्टेज चेंज करना इजी नहीं है, मुश्किल काम है, इसको चेंज करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स पावर सर्किट लगाने होंगे और वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। अब सोलहवां है एसी यूज्ड इन लोड्स, कैसे लोड्स में यूज होती है, जैसे मोटर लाइट हीटिंग इंडस्ट्री और घरों दोनों में यूज होती है वो। जो डीसी है
उसको लो पावर और लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। उसके अलावा एक उपयोग और बताता हूँ मैं कि केमिकल इंडस्ट्री में 50,000 एम्पियर की डीसी करंट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ 50,000 एम्पियर का रेक्टिफायर होता है, उसको बोलते हैं हाई करंट रेक्टिफायर SCR। ये तो मैंने स्पेशल आपको बता दिया। वैसे डीसी के बहुत सारे यूज होते हैं जो यहाँ नहीं बताए जा सकते सारे। अब 17वां अंतर है, दो जनरेटिंग स्टेशंस हैं उनके जो जनरेटर का आउटपुट है, अगर दो हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है तो उनको पैरेलल में नहीं लगा सकते, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मगर लगाना पड़ता है। एक स्टेशन फेल हो जाए तो दूसरे से काम चले, उसको सिंक्रोनाइज करते हैं। डीसी के केस में क्या करते हैं कि एक जनरेटिंग स्टेशन और दूसरे जनरेटिंग स्टेशन के बीच में डीसी लिंक लगा देते हैं, एसी को डीसी में बदलते हैं और फिर डीसी को एसी में। इस तरह दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के जनरेटिंग स्टेशंस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं HVDC। इसको बैक टू बैक HVDC लिंक भी कहते हैं। अब 18वां डिफरेंस है, जो AC पावर है उसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, टेक्निकल प्रॉब्लम जो कि स्टेबिलिटी की होती है उसकी वजह से। अगर आपको दिल्ली से आगरा ट्रांसमिट करना है पावर तो AC से हो जाएगी, लेकिन अगर दिल्ली से बेंगलोर करना है तो नहीं हो सकती। जो DC फॉर्म में पावर है उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे HVDC, अभी हमने बताया था हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन। अब 19वां डिफरेंस है, जो AC पावर ट्रांसमिशन है वो इकोनॉमिकल या चीप है कम डिस्टेंस के लिए, और DC पावर ट्रांसमिशन इकोनॉमिकल है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। देखिए मैंने प्लॉट दिखाया है, ये कॉस्ट है और ये डिस्टेंस है, ये रेड वाला AC ट्रांसमिशन और ग्रीन वाला DC ट्रांसमिशन। AC ट्रांसमिशन की कॉस्ट बढ़ रही है जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, DC की भी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन इस पॉइंट से पहले देखिए DC कॉस्टली था और AC ट्रांसमिशन चीप था। इस दूरी के बाद AC कॉस्टली हो गया, DC चीप हो गया, तो इससे कम दूरी के लिए AC चीप है और इससे ज़्यादा दूरी के लिए DC ट्रांसमिशन चीप है। वो इसलिए कि जो DC ट्रांसमिशन है उसमें कन्वर्टर और इन्वर्टर जिसकी कास्ट ये है ज़रूर होता है, भले ही आप 100 किलोमीटर ट्रांसमिट करें या 1000 किलोमीटर। अब 20वां है, जो AC पावर ट्रांसमिशन है वो कम डिस्टेंस के लिए इफिशियंट होता है, इफिशियंट का मतलब लॉसेस कम होते हैं उसमें। जो DC ट्रांसमिशन है पावर ट्रांसमिशन वो ज़्यादा दूर के लिए इफिशियंट होता है। देखिए हमने प्लॉट दिखाया है, ये डिस्टेंस है और ये लॉसेस हैं, ये लॉसेस जितना कम हो उतना अच्छा है। वो ये रेड लाइन है, डिस्टेंस के साथ लॉसेस बढ़ रहे हैं और हियर HVDC में भी लॉसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दूरी से पहले AC ट्रांसमिशन ज़्यादा इफिशियंट है, उसमें लॉसेस कम हैं, और इस दूरी के बाद AC में लॉसेस ज़्यादा हैं, DC में DC पावर ट्रांसमिशन में लॉसेस कम हैं। अब 21वां, जो DC है उसमें एक फ़ायदा तो होता है कि बैटरी स्टोरेज हो सकता है और उसकी कंट्रोलेबिलिटी भी बढ़िया होती है, इसीलिए उसको हाई पावर में भी बहुत जगह यूज करते हैं। क्या करते हैं, AC को DC में बदलते हैं और फिर DC को AC में बदलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं VFD, HVDC, UPS एंड कंट्रोल सिस्टम सप्लाई इन इंडस्ट्री। अब 22वां अंतर, ये एक विशेष अंतर है। अब मैं आपको एक वेव शेप दिखाऊंगा
वो इस पर कि टाइम स्लॉट कौन सा हम सेलेक्ट करते हैं, कभी वो एसी लगेगा कभी वो डीसी लगेगा। वेव फॉर्म वही है, सोर्स वही है, ये आप डिसाइड करिए कि जो वेव फॉर्म मैं दिखा रहा हूँ वो एसी है या डीसी। यहाँ पर हमने एसी सप्लाई का साइन वेव दिखाया है जिसका एक साइकिल ये है जो कि 1 ईयर है, ये 12 महीने हैं, ये 6 महीने हैं, ये 3 महीने हैं, मतलब वोल्टेज को 0 वोल्ट से पीक जाने में 3 महीने लगेंगे और पूरा साइकिल ख़त्म होने में 12 महीने। अब अगर हम ये टाइम 1 साल लें तो हमें लगेगा कि यह एसी है। मान लीजिए इस पॉइंट पर आप मेजर करते हैं इस दिन, तो हमें लगेगा कि यह डीसी है। अगर इस समय देखें तो भी हमें डीसी लगेगी, अगर इस समय देखें तो भी हमें डीसी लगेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस दिन और इस समय तो मैं टाइम स्केल को एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे इतना वोल्टेज काफ़ी समय तक रहता है। अब मैं इस पॉइंट पर टाइम को एक्सपेंड करता हूँ, देखिए टाइम स्केल एक्सपेंड हो रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट वही है, उसके बीच में बहुत सारा समय है। वो जब प्लाट हमने 1 साल का दिखाया था तो वो नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आ रहा है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए 60 सेकंड है। इस तरह अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो आपको लगेगा कि यह डीसी है। तो एक ही वेव फॉर्म 1 साल के हिसाब से एसी लगता है और 1 दिन के हिसाब से डीसी लगता है, ये आप डिसाइड करिए वो एसी है या डीसी। आप आज यहीं समाप्त करते हैं।